नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज दिलीप मंडल ने फिल्मों को लेकर कुछ सवाल उठाए हैं। आप सबको पता है कि भारतीय सिनेमा में पहले मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी ज्यादा थी, तब पैसे नहीं थे, लेकिन जब पैसे आए तो सवर्ण महिलाओं की वहां भागीदारी हो गई और आज एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी तो गायब ही है, फिल्मों में नहीं है। लेकिन अब दक्षिण भारत से इसकी तस्वीरें सामने आ रही है। मसान देखी थी आप लोगों ने, धीरज ज्ञानवान की फिल्म थी। सैराट देखी थी, झुंड देखी है, ये सब शेड्यूल कास्ट के लोग हैं जो बना रहे हैं। कब्बाली देखी है, असुरन देखी है, सरपट्टा देखी है, जय भीम देखी है, सब बहुजन समाज के लोग हैं। तो अब जाकर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की भागीदारी लगातार फिल्मों में भी बढ़ रही है और लोग एक दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, फिल्में दिखा रहे हैं और ये एक बढ़िया संकेत है, शुभ संकेत है। और इसी को लेकर दिलीप मंडल ने कुछ बहस छेड़ी है। सोचिए, पश्चिम बंगाल को सबसे रिच कहा जाता है, सबसे ज्यादा देवदासी प्रथा वहां थी। व्हाट स्टॉप्स बंगाल मूवी इंडस्ट्री फ्रॉम प्रोड्यूसिंग ये श्याम सिंह रॉय। एक तेलुगु में फिल्म बनी है श्याम सिंह राय, जिसकी कहानी देवदासी प्रथा पर है कि किस तरह से बहुजन महिलाओं का मंदिर में शोषण होता था। सबसे ज्यादा बंगाल में इस तरह की वहां फिल्में क्यों नहीं बनी? तो दिलीप मंडल ने इस बहस को छेड़ा है, मंदिर में यौन शोषण और देवदासी प्रथा पर ऐसी फिल्म बॉलीवुड कब बनाएगा? बंगाल की फिल्म इंडस्ट्री ने बंगाल की इस गंभीर समस्या पर कोई फिल्म क्यों नहीं बनाई? दक्षिण की फिल्म इंडस्ट्री से ही श्याम सिंह रॉय क्यों आती है? सी पल्लवी, नवीन बाबू, ये तमाम वो फिल्में हैं जिसको लेकर बात की जा रही है। और ये देखिए, दिलीप मंडल आगे लिखते हैं, जब बॉलीवुड के कुमार, चोपड़ा, कपूर और खान चार पैसे के लिए पान मसाला, गुटखा, कच्छा, बनियान बेच रहे हैं, तब दक्षिण के सुपरस्टार दनादन हिट फिल्में दे रहे हैं, हिंदी कलाकारों से अरबों रुपए कमा रहे हैं। ये सब सुपरस्टार किसान और मेहनत कर जातियों से हैं, बॉलीवुड वालों से नहीं हो पाएगा। मैं बताऊंगा बॉलीवुड वाले क्यों नहीं कर पा रहे राजनीति में, ये दूसरे पौध हैं, क्यों नहीं हो रहा ये। और ये देखिए, लगता है साउथ इंडस्ट्री वाले बॉलीवुड को गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट तक से ही निपटा देंगे। तो ये वो दक्षिण भारत के कलाकार है जो बाबा साहब को भी मानते हैं, सोशल जस्टिस की फिल्में भी वहां तेजी से बन रही है। अब ये तस्वीरें देखिए, देव मुर्दों में जान ढूंढते हो, बेईमानों में ईमान ढूंढते हो, किस गफलत में हो साहब, मशीनों में इंसान ढूंढते हो। ये देखिए अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन, ये सबको सब लोग इसे बेईमान कह रहे। सोचिए, कोई आवाज निकल रही है। दिलीप कुमार साहब का दौर देखिए, जब भी कोई गलत होता था, चाहे वो धर्मेंद्र हो, दिलीप कुमार हो, सुनील दत्त हो, मनोज कुमार हो, ये लोग एक स्टैंड लेता था, नसरुद्दीन शाह, ये लोग स्टैंड लेते थे, गलत को गलत और सही को सही कहते थे। लेकिन आज की फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार सिर्फ और सिर्फ खासकर हिंदी वाली है, दूसरी पीढ़ी है। अजय देवगन, इसके पिताजी ने संघर्ष किया, ये दूसरी पीढ़ी है। सलमान खान, इसके पिताजी ने, सलीम खान ने संघर्ष किया, ये दूसरी पीढ़ी है। करण जौहर, इसके पिताजी ने संघर्ष किया, है दूसरी पीढ़ी। अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन ने संघर्ष किया, है दूसरी पीढ़ी है। कहां से आएगा वो क्लास, कहां से आएगा वो कल्ट? हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सारे लोग दूसरी पीढ़ी के हैं, उनमें कोई तेवर नहीं है, उनको ना गांव पता है, ना शहर पता है, उनके अंदर कोई समझ नहीं है, क्योंकि उन्होंने संघर्ष नहीं किया है। यही हो रहा है बहुजन राजनीति में। अरविंद कुमार ने एक ट्विस्ट किया है कि बाबा मान्यवर कांशीराम साहब ने बीएसपी के संविधान में लिखा है कि कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का रिश्तेदार या नातेदार एक्सिक्यूटिव कमिटी में नहीं होगा, वर्किंग एक्सिक्यूटिव कमिटी में, यह बीएसपी के संविधान में है। जो लालू यादव, आज उनको जमानत मिल गई है, वो तेजस्वी यादव में नहीं दिख सकता है। जो मुलायम सिंह यादव में था, वो अखिलेश यादव में नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने सर्गों पर संघर्ष नहीं किया है। जो करुणानिधि में था, वो स्टालिन में है, क्योंकि उनकी पूरी परवरिश हुई है उस तरह से। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि हमारा जो बच्चा होगा, वो हमारी तकलीफों को नहीं समझेगा, क्योंकि वो शहरों में पले बढ़ेगा, सुख सुविधाओं में। बीजेपी क्यों सड़कों से नेता निकालती है? बीजेपी आज इसलिए सफल है क्योंकि वो आरएसएस से पका हुआ नेता निकालती है। राजनाथ सिंह का बेटा विधायक मेरे तो बन सकता है, लेकिन वो बीजेपी का अध्यक्ष नहीं बन सकता है। अध्यक्ष देखिए बीजेपी यूपी में कैसे बदलती है, केशव प्रसाद मौर्य, फिर स्वतंत्र देव सिंह, बीजेपी कैसे अध्यक्ष बदलती है, अमित शाह, गडकरी, राजनाथ सिंह, अब कोई एक और है, नड्डा, अगला कोई और होगा। हर राज्य में वो नेता लाती है सड़कों से, कई तो क्रिमिनल्स भी आते हैं, साध्वी प्रज्ञा जैसे भी लोग हैं। तो ये जरूरी है आपको, मैं तमाम उन बहुजन दलों से कहना चाहता हूं कि आप प्रतिभा को आने दीजिए, सड़कों से आने वाले प्रतिभाओं को कुचलिए मत,
आज मैं नेशनल दस्तक चला रहा हूं, कल नेशनल दस्तक की जिम्मेदारी कोई ऐसा आदमी उठाएगा जो सड़कों से आया हो, जो अपने जनरेशन का पहला पत्रकार होगा, संघर्ष कर रहा होगा। हम लोगों ने परिवारवाद के चक्कर में, अपने बीवी बच्चों के चक्कर में पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर दिया। यही हो रहा है हिंदी फिल्मों के साथ। अब करण जौहर का क्या है? करण जौहर, सलीम खान, जावेद अख्तर का बेटा देख लीजिए, नहीं होंगे सफल, क्योंकि जावेद अख्तर ने सड़कों पर भी समय काटा था, शहर भी देखा, गांव भी देखा। तो ये दूसरे जनरेशन का गैप है। तो दक्षिण भारत के जो कलाकार हैं, दक्षिण भारत के जो डायरेक्टर है, चाहे वो पारंजिता हो, चाहे महाराष्ट्र के मुंजले हो, ये सब दूसरे जनरेशन के नहीं है, पहले जनरेशन के, सड़कों से संघर्ष करके आए हैं, इसलिए शानदार फिल्में बन रही है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में टीवी अखबार पर जिसका कंट्रोल है वो इस देश पर राज करता है। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके अपने बच्चों को हायर एजुकेशन, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी में भी हाथ आजमाने पड़ेंगे, बिजनेस में भी हाथ आजमाने पड़ेंगे, अपनी बात कहनी पड़ेगी, नहीं तो आपके साथ यही होता रहेगा। जैसे अफ्रीका, जैसे अमेरिका में क्या हुआ, असोतों को मौका मिला फिल्मों में, खेलों में, और इस देश को बेहतर मुल्क बनाना चाहते हैं तो आपको मेहनत कश लोगों को मौका देना होगा, आदिवासियों को, पिछड़ों को, दलितों को, जो सड़कों पर संघर्ष करता है। राजनीति में भी यही होनी चाहिए। जो आज रामविलास जी में था वही आज चंद्रशेखर में दिखेगा, मायावती जी में था वो आनंद में नहीं हो सकता है। तो आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप खराब हैं, लेकिन आपको नए लोगों को मौका देना चाहिए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।